जनपद मेरठ के सर्जना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें 240 मरीज सर्जना सीएससी सेंटर पर भर्ती हो चुके हैं। उनमें से दो लोगों की अब तक जान जा चुकी है। आखिर प्रशासन इसकी कार्यवाही क्यों नहीं करता? अभी तक किसी का नाम क्यों नहीं लिया गया? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। और ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। 7 नवंबर को सर्जना क्षेत्र के मंडी चमारन इलाके में अचानक से अफरा तफरी मच जाती है। दूषित पानी पीने की वजह से लोगों में बैक्टीरिया फैल जाता है, जिसके चलते लोगों को सर्जना सीएससी पर भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद अधिकारीगण वहां पहुंचकर मामले का जायजा लेते हैं, उसके बाद कार्यवाही के लिए आदेश देते हैं। जांच से पहले बताया जाता है कि पानी से कोई बैक्टीरिया कोई बीमारी नहीं फैली है। जब जांच सामने आती है तो दूषित पानी में बैक्टीरिया पाया जाता है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? जनपद मेरठ के सर्जना क्षेत्र में दूषित पानी से बीमार होने का सिलसिला जारी है। वहीं शनिवार को दूषित पानी से बीमार एक वृद्ध महिला और किशोर की मौत हो गई। मोहल्ले में दो की मौत होने से दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया गया है कि दो दिन पहले महिला को सीएससी में भर्ती कराया गया था। दरअसल सर्जना में बीते सोमवार को दूषित पानी पीने से नगर के मोहल्ला मंडी चमारन गाँव के तकरीबन 50 लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। बीमार हुए लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी भी कई की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बीमार पड़ने वालों की संख्या 240 के करीब हो गई है। उधर अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं पानी पीने से लोगों की मौत की खबर से पूरे शहर में दहशत फैल गई। सर्जना कस्बे के मंडी चमारन मोहल्ले में कई दिनों से पानी की टंकी में दूषित पानी सप्लाई हो रहा था। दूषित पानी को पीने से बच्चों समेत 4 दर्जन लोग पिछले दिनों गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। इसके बाद भी बीमार लोगों की संख्या बढ़ी। सर्जना में दूषित पानी पीने से 2 लोग की मौत हो गई। 5 दिन पहले सर्जना कस्बे के मोहल्ला मंडी चमारन में पानी में संक्रमण निकला था। इसकी वजह से 150 से अधिक लोग बीमार हो गए थे। बीमारों का इलाज मेरठ और सर्जना के अस्पताल में चल रहा है। बीमारों में से एक महिला और एक युवक की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। लोगों ने बताया कि 55 वर्षीय रेखा की मौत हुई। रेखा को पेट में संक्रमण था। पहले उसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सर्जना में कराया जा रहा था। बाद में हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां शनिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सचिन कुमार ने बताया कि महिला को पेट में संक्रमण था। दूसरी मौत सलमान की हुई है। दूषित पानी में निकल रहे थे साबुन की तरह झाग। सर्जना कस्बे के मंडी चमारन मोहल्ले में कई दिनों से पानी की टंकी में दूषित पानी सप्लाई हो रहा था। दूषित पानी को पीने से रविवार को बच्चों समेत 4 दर्जन लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। इसकी संख्या बाद में बढ़ गई। लोगों का कहना था कि कई बार पंचायत दफ्तर में ईओ और चेयरमैन से भी इस बारे में शिकायत की, मगर किसी ने कुछ नहीं सुना। जिसके बाद स्थिति यह बनी कि रविवार को दूषित पानी पीने से बच्चों समेत लोग बीमार पड़ गए। दूषित पानी में साबुन की तरह झाग निकल रहे थे, जो थोड़ी देर बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता था। उसमें बदबू भी थी। खाना बनाने के दौरान रोटी काली हो जाती थी। गत बुधवार को डीएम दीपक मीना ने बताया कि बायोलॉजिकल रिपोर्ट में बैक्टीरिया पाए गए हैं। ऐसे में मोहल्ला मंडी चमारन की पाइपलाइन बदली जाएगी। आखिर कौन है इस घटना का जिम्मेदार? मोहल्ला निवासी के शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।